Okay, so by the time I fix up my other device, I guess you can hear me. So we will just draw a circle. So whatever pen, pencil, crayon, colors, anything you have. Do you have colors? Yeah, we have crayons. So please pick up crayons of your any color. No color specific. Just draw circles. Small, big, tiny, huge, large, overlapping, anything. One pack is to be shared with two people. She tell me. Yeah. So I'm taking this one. One pack with two people. Okay, are we fine now? Just two circles, huh? Yeah. If you want big circles, you can do. If you want small circles, you can do. And so once you are done, we will again do it for 1 minute, and after that, I'll tell you why we are doing this. Can you repeat the instructions in Hindi also once, please? हाँ, sure. तो हम लोग सर्कल बनाएंगे. सर्कल तो आता है ना सबको, छोटा बड़ा टाइनी एकदम पितूसा बहुत बड़ा कुछ भी चलेगा. कोई भी पेन ले लो या तो कोई भी कलर ले लो और सर्कल्स बनाओ, खाली सर्कल्स बनाओ. आई विल ट्राई टू शेयर द स्क्रीन. अगेन यू हैव टू एनेबल मी या बिकॉज बाय दैट टाइम आई कैन यू नो जॉइन, अदरवाइज आई हैव शोन. डिफरेंट साइज कलर भी डिफरेंट चलेगा, सेम कलर भी चलेगा. तो या यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ. इफ यू अगेन कैन यू नो स्पॉटलाइट दिस पेज लाइक दिस, ओवरलैपिंग भी चलेगा, एक के ऊपर से दूसरा भी चलेगा, कुछ भी, एकदम छोटा भी चलेगा और बहुत बड़ा भी चलेगा, जैसे आपको ठीक लगे. This is how I am showing you. Also, you can do this. हम लोग anxiety के बारे में बात कर रहे थे ना, ऐसा भी कर सकते हो. Circle, like circle, concentric circles, spiral बोलते हैं इसको. घुमा 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 के अंदर या तो घुमा के बाहर. इतना बड़ा भी नहीं चाहिए तो छोटा भी कर सकते हैं. एक्स्ट्रा पेपर चाहिए तो टेल मी, आई विल हैव. Try to pay attention to how you're feeling, what you're thinking while you're doing this. Exactly. So just think about what you are feeling. अपना अपना सर्कल बनाओ. डू नॉट नीड टू कॉपी, लाइक कैसा भी आपको चाहिए वैसा बनाओ. नाउ आई टेल यू समथिंग व्हाई वी आर ड्रॉइंग सर्कल्स. सर्कल इज फॉर पीस. नाउ किसके साथ पीस करना है? आई डोंट नो लाइक व्हाट इज द हिंदी ऑफ पीस. कनिका व्हाट इज इट कॉल्ड? पीस, शांति. शांति, या सो किसके साथ हम लोगों को शांति चाहिए? लाइक वी वांट पीस विद होम. अपने आप से चाहिए, मन की शांति. पहले के साथ शांति, फैमिली बाद में, पहले मन का शांति चाहिए. हमको मन की शक्ति भी देना और शांति भी देना.
खाली फैमिली 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 भी बाद में आएगा, लेकिन पहले खुद के साथ। वी आर नॉट एट पीस विद आवर सेल्फ, नो दिस। हम लोग खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो व्हेन वी ड्रॉ सर्कल्स, हम लोग वी गेट इन टू पीस विद आवर सेल्फ। और हम लोग जब खुद को एक्सेप्ट करेंगे, व्हेन वी कम इन टू पीस विद आवर सेल्फ, यू विल सी इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन एवरीवन एल्स। उसका रिफ्लेक्शन आपको सब में दिखेगा। फैमिली बोलो, बाहर के किसी के साथ बोलो, पार्किंग नहीं मिल रहा है तो भी आप शांत हो, किसी ने गाड़ी सामने रख दिया, आपका गाड़ी मूव नहीं कर रहा है, फिर भी आप शांत हो। लेकिन अगर खुद के साथ शांत नहीं है आप, अगर मन की शांति नहीं है, तो सबके साथ झगड़ा, सबके साथ गुस्सा। सो वर्क प्लेस फर्स्ट थिंग, टेंशन डेंजर प्लेस, सॉरी, वर्क प्लेस आल्सो इज अ सोर्स ऑफ टेंशन। एब्सोल्युटली, वर्क प्लेस, लाइक व्हेन यू आर फीलिंग अ लिटिल एजिटेटेड, एंशियस, बैठ के आपके पास ना छोटा सा एक बुक रखना, व्हाइट पेपर बुक, छोटा छोटा पैड मिलता है, देखो, पेन लेके सर्कल्स बनाओ, देखो। उसके बाद आफ्टर 5 मिनट्स यू गो बैक टू दैट सिचुएशन एंड यू सी। पहले तो आप एकदम रिएक्ट कर देते थे, अभी आप ये जो सर्कल बनाने के बाद आपका जो चेंज आएगा ना, दिमागी चेंजेस, यू विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड, शांति से बात करोगे। या प्लीज प्लीज शो, आई लव टू सी। या आई थिंक आई वांट्स टू शो बट आप मैं देखो शो के जो भी हाँ हाँ प्लीज प्लीज। होता हाँ गुड बी ना या द स्पाइरल्स, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। सी द स्पाइरल्स इफ यू डू ना, सी दिस आर द फ्यू प्रैक्टिसेस, लाइक आई शो लाइंस अलोंग विद द लाइंस, एवरी मॉर्निंग डू अ लिटिल बिट ऑफ सर्कल एंड स्पाइरल्स, यू सी हाउ योर डे गोज। अब फिर मुझे बताना, मतलब कनिका को बताना कि हाउ द चेंजेस आर। सी दिस आर वेरी सिंपल थिंग्स, एवरी वन ऑफ यू हैव अ बुक और पेपर एट होम, जस्ट टेक अ फ्यू क्रेयॉन्स, नहीं मिला तो खाली पेन से करो, डोंट यूज अ स्केच पेन, जस्ट डोंट यूज अ स्केच पेन, यू कैन यूज अ बॉल पॉइंट पेन और अ पेंसिल और अ क्रेयॉन। ओके, सो वी हैव अ लिटिल मोर टू डू। अच्छा, कलर्स के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लें। यस प्लीज मैम, वंडरफुल। बस अभी खाली ये 1-1 मिनट रोज करना है। ओके, अच्छा, कलर्स। अभी सब लोग इधर मेरे ओर, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। We can continue doing circuits afterwards, but right now let's just या सो add the rest. वी डू नॉट हैव एब्सोल्युटली मच टाइम, अपोलॉजीज बिकॉज आई हैव सम अदर कमिटमेंट। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक मैं 4 कलर्स के बारे में बताऊंगी आज। व्हाट डू यू थिंक ऑफ रेड? रेड बोलेंगे तो क्या मैं दिमाग में आता है? यस, समझते लव, एंगर एब्सोल्युटली। और वैलेंटाइन्स डे तो पूरा लाल ही मतलब हो लाल जाता है, पूरा भी अपना रेड इंगेजमेंट तो हर रोज एक शॉप्स, यस, रेड रोज। रेड एपेटाइट, भूख नहीं लगती है ना, एक कार्टन लगा दो अपने जो किचन या तो डाइनिंग रूम है ना, उसमें एक रेड कार्टन लगा दो, उसके बाद देखो आपका भूख कैसे चेंज हो जाता है। आपका जो कपड़ा कुछ भी रहता है ना, वॉल को थोड़ा रेड कर दो, वॉल को रेड मत करो, फिर इतना खाओगे ना हम लोग एकदम 140 किलोज हो जाएंगे। एपेटाइट भी बढ़ाता है रेड। आप लोगों ने देखा होगा मैकडोनल्ड्स या तो इवन केएफसी, माय स्कूल लाइफ्स रेड रेड ड्रेस येलो ड्रेस ब्लू ड्रेस ग्रीन हाँ, ड्रेस हैव यू एवर सीन स्कूल लाइफ्स मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, पिज्जा हट, सब क्यों रेड होता है? कोका कोला क्यों रेड होता है? वो लोग आपका एपेटाइट बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। आपको स्ट्रेंथ, पैशन, लव, जस्ट लाइक यू से, एट द सेम टाइम ऑल दिस थिंग अलोंग विद ऑल दिस थिंग्स, सो समथिंग विच यू डिजायर, दैट इज ऑल अबाउट रेग। अपना डिजायर है रेग, तो ये सब लोगोस रेग में इसीलिए होता है कि आप मोर उन सब शॉप्स में जाओ, ये लोग बहुत सोच के लाखों रुपए खर्चा करके ये सब लोगोस बनाते हैं, उसका कलर, एक एक कलर चूज करते हैं, क्योंकि ये रेग देखने से अपना एपेटाइट बढ़ता है। मूविंग ऑन टू ग्रीन,
ग्रीन अपने को क्या बताता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट ग्रीन? एनवायरमेंट, एब्सोल्युटली यस। अगेन एनवायरमेंट, या एंड लाइफ। लाइफ, यस। मैम कुड यू चेंज द स्लाइड? आई विल चेंज, आई विल चेंज। आई जस्ट वांट सम इनपुट फ्रॉम देम। या अगेन समथिंग एल्स, हार्मनी, इज इट? सो इट इज नेचर, हार्मनी, एग्जैक्टली। सो सी ऑल दिस ग्रीन, ऑल दिस थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द नेचर, विच आर मोर हार्मोनियस, टॉकिंग अबाउट हार्मनी, ऑल दिस थिंग्स आर इन ग्रीन। अगेन ग्रीन टॉक्स अबाउट पीस एज वेल, पीस विद नेचर। सो वेन यू आर मोर इन टू द नेचर, बहुत सारा ग्रीन रहता है, देखो हमारे चारों ओर पेड़ पौधे रहते हैं ना, वी फील लाइक पीस, वी लव, दैट्स वाई वी लव गार्डन्स, वी डू गार्डनिंग एंड वी कीप प्लांट्स ओवर हियर। अ लॉट ऑफ कॉन्क्रीट देखोगे तो एकदम दिमाग थोड़ा इरिटेट हो जाता है, वेयर एज इफ यू सी अ लॉट ऑफ ग्रीन यू विल सी मोर पीस। यस मिस, सॉरी, ग्रीन का भी हेल्पफुल होता है ना? हेल्पफुल, हेल्पफुल, यस यस यस। ग्रीन ऑल्सो टॉक्स अबाउट हेल्प, लाइक दिस कलर्स आर, दैट्स व्हाट आई टोल्ड ना, हार्मोनियस, इट क्रिएट्स हार्मनी। ओके मूविंग ऑन, देन वी कम टू ब्लू। ब्लू टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन, इसीलिए फेसबुक ब्लू में है, ट्विटर ब्लू में है, लिंक्डइन, जहाँ पे आपको कुछ कम्युनिकेट करना है, जहाँ पे आपको किसी से बात करनी है, लाइक आप जो बोलना चाहते हो वो सब कम्युनिकेट करना है, जहाँ पे वहाँ पे कौन सा कलर यूज होता है? ब्लू। एट द सेम टाइम ब्लू अगेन टॉक्स अबाउट पीस, क्वाइट, एकदम सीरीन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी गो टू बेड, इफ यू आर वेयरिंग समथिंग लाइक ब्लू कलर, यू विल स्लीप बेटर। ठीक है, सो ब्लू ऑलवेज टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन, अ क्लियर कम्युनिकेशन एंड पीस। एंड देर आर अदर लॉट ऑफ अदर इम्प्लीकेशन ऑल्सो, मैं उतना डेप्थ में नहीं जा रही हूँ। ठीक है, मूविंग ऑन, वॉयलेट, वॉयलेट और पर्पल, दिस इज मोर लाइक इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। ऑल्सो वॉयलेट टॉक्स अबाउट आवर स्पिरिचुअलिटी, हैप्पीनेस इज अ कलर येलो विच आई हैव नॉट कवर्ड ओवर हियर, बट नॉट एग्जैक्टली, दिस वन इज नॉट सो हैप्पीनेस, यस लॉयल्टी, एब्सोल्युटली लॉयल्टी, यस लॉयल्टी, या रॉयल्टी एज वेल, या रॉयल्टी एंड लॉयल्टी ऑल्सो, लॉयल्टी ऑल्सो कम्स इन ब्लू and royalty, yes, royal color is violet. In purple you feel like you are in purple we can you feel like you are in a rainbow in your body, like you feel like your rainbow is coming your when you do green. So these are, see, there are a lot of other colors we can talk, if we start about talking about colors we can just spend 2 hours on it, but these four colors why I'm telling you, like if you wear or if you when you are using colors, if you are using these four colors, this will help you enormously, like red will increase your strength, your power, your appetite, then green as I told it will make you more harmonious to your surrounding, blue will help you to communicate with whatever you want to say, so and finally this violet which will help you to be more spiritual. Or it has also helps you to become more like, you know, when you become spiritual, you also become a little bit more creative. So creatively, you can put whatever you want to communicate or whatever, see anything, as we are talking about art, art is all about your creativity. Even if you are cooking, aap agar koi khana bhi bana rahe ho, you can be amazingly creative in it. पूरन पोली भी एकदम मस्त, मतलब कोई कोई बना लेते हैं, है ना, अलग ही रेसिपी रहता है। सो दीज आर द फोर कलर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड फाइनली, सॉरी आई एम रशिंग अ लिटिल मोर, कैन वी हैव अ फ्रेश पेपर? या आई जस्ट पास आउट।
या वी विल डू अ फाइनल एक्सरसाइज ऑफ आवर सेशन विच वी विल कॉल द ग्रैटिट्यूड ट्री। Can you spotlight the book, please? Yeah, sure. Yeah. Everyone has a new fresh paper, pen, pencil, सबके पास है? All set. All set? Okay. आपका जो हाथ है ना यहाँ पे रखो, बुक के ऊपर, पेपर के ऊपर ऐसे हाथ रखो और उसका एक आउटलाइन बनाओ। कैसे भी हाथ रखो और उसका आउटलाइन बनाओ। कोई उसका भी हाथ रख सकते हो, इफ यू आर लेफ्ट हैंड या यू कैन यूज योर राइट हैंड टू कीप ओवर हियर, इफ यू आर राइट हैंड या यू कैन कीप योर लेफ्ट हैंड, और ऐसे आपका हाथ का एक इम्प्रेशन यहाँ पे पेंसिल के साथ बनाओ। कुछ ऐसे बनेगा। ब्रश ग्राफ आउटलाइन चलेगा। हाँ बिल्कुल, रफ आउटलाइन। अभी हम लोग सोच समझेंगे कि दिस इज अ ट्री जिसका पांच ब्रांच है। मैम जस्ट 1 सेकेंड लेट आई थिंक देयर इज अच्छा दिया अच्छा ओके कंटिन्यू ओके, सो सपोज देयर आर फाइव ब्रांचेस और ये एक ट्री है। इसमें हम लोग दो दो लीफ बनाएंगे, दो ये एक जैसा लीफ बना सकते हो वैसा बनाओ। आप ज्यादा भी बना सकते हो लेकिन आज मैं आपको खाली दो दो लीफ ही बता रही हूँ। तो कितना लीफ हुआ कुल मिलाकर? दस टेन लीफ हुआ। सो एक एक लीफ में हम लोगों को, अभी सब लोग सुनो, अगर 10 लीफ हो गया ना, एक एक में आपको लिखना है हम लोग किस चीज के लिए ग्रेटफुल है। दिस इज कॉल्ड द ग्रेटिट्यूड ट्री। दिस इज कॉल्ड द ग्रेटिट्यूड ट्री। हम लोग दिन भर कंप्लेन करते रहते हैं, है ना? अरे आज बिजली चली गई, आज देखो अपना नेटवर्क कितना पुअर है। बट हैव यू एवर थॉट कि देयर आर सो मेनी थिंग्स वी नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर? मे बी आज इतना अच्छा सनरेज है, या तो इतनी अच्छी बारिश हो रही है, मौसम कितना मस्त हो गया है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर। आज आप लोग ये 10 लीफ में अपना अपना ग्रेटफुलनेस जो भी है वो लिखोगे। मे बी यू कैन बी लाइक आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस सेशन, फॉर समन, तो आप लोगों से मिलने का मौका मिला तो आई विल राइट समन। यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर, सबसे बड़ी बात तो फॉर लाइफ आई एम ग्रेटफुल फॉर। आज सुबह मैंने आँख खोल के उठी, कितने लोग तो मतलब पता नहीं, मे बी दे आर सो नॉट वेल, दे आर स्टिल स्लीपिंग, बट आई एम स्टिल हैविंग अ गुड हेल्थ, सो यू कैन राइट हेल्थ। जो भी हिंदी इंग्लिश कुछ भी, उसमें आप 10 चीज आज लिखोगे जो आपको लगता है कि जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। मैं अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ, बढ़िया छोटी चीज हो सकती है पेन जो भी चीज। हाँ, इट कैन बी अ ब्यूटीफुल पेन यू हैव, बिल्कुल मे बी यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर हैविंग अ वंडरफुल पर्सन लाइक कनिका विथ यू। ओके, सो आई हैव अ डॉग, लाइक आई विल राइट हिज नेम एज वेल बिकॉज ही मेक्स मी सो हैप्पी इन एवरी सेकेंड।
10 चीज हम लोग लिखेंगे जिसके लिए हम लोग ग्रेटफुल है। ठीक ओके, वी विल जस्ट गिव सम अ लिटिल मोर टाइम टू अदर्स टू फिनिश एंड देन वी विल टॉक। Is everyone done? कंप्लेन करते क्या है? हम लोग कितना जल्दी जल्दी 10 बोल देते हैं ना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं आए। और देखो ग्रेटफुलनेस के टाइम पे हम लोग कितना सोचना पड़ता है। Ma'am, I can show. Yes, please, please. I'd love to see everyone, sir, because I am going to pin your video. Can you change now, Kanika? Can you please change it to spotlight your video, please? Yeah, sure. Yeah, your video. Yes. Yeah. Now can you see? Oh wow, absolutely beautiful, excellent. I read what I have written. Sure. Yes, yeah, you can read or you can show. I'll read in this. Yes, one. Please, please. Yeah, thank you for showing. Can anyone else who come up and show? Anyone else done? Very nice. You can please take the seat. Ab baith jao. Bahut acha hua. Or share in points they thought of. One point I want to share. Yes, please. From the start of born, from the start of the born till the death, I should be in. I'm glad I'm Indian. Oh, great. Yes, absolutely. We all are grateful. तो आपने तिरंगा लगाया ना घर पे, आज जाके लगा लेना। यस मैम, ओके, सो लवली। हाँ एग्जैक्टली, यू कैन डू इट विथ कलर्स एज वेल। तो अभी ना हफ्ते में, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, हफ्ते में एक बार ऐसे ट्री बनाना है, ग्रेटफुलनेस ट्री, ग्रेटिट्यूड ट्री। बनाओगे कि नहीं? अच्छा लग रहा है कि नहीं? अभी लग रहा है ना कि वी कैन एड मोर लीव्स। कितने कुछ के लिए ग्रेटफुल है, लेकिन लीव्स तो खाली 10 है, तो फिर यू कैन ऐड ऑन मोर लीव्स। यू कैन ऐड ऑन अप टू एनी नंबर ऑफ लीव्स यू वांट। ठीक है, और हर हफ्ते ये करना है हम लोगों को। एक ग्रेटिट्यूड ट्री बनाएंगे, उसमें जितना भी, जितना ज्यादा लीव्स उतना खुश हम, क्योंकि हमारे पास जो है उसके लिए अगर हम ग्रेटफुल रहेंगे तो और भी आएगा। एंड दिस इज नॉट समथिंग मैं बोल रही हूँ, ऑल आवर एंशियंट मास्टर्स हैज टोल्ड दिस, इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, यू विल बी गिवन मोर। अगर आधा चॉकलेट मिला तो ग्रेटफुल हो जाओ, नेक्स्ट टाइम पूरा चॉकलेट पक्का मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, आधा ही चॉकलेट मिला तो नेक्स्ट टाइम मिलता ही नहीं है। And I brought chocolates for everyone. What you are missing? You have not for me. Ada, you are not come. You are not come. You will be. We will keep for I you. I am there now with you, Kyuge. Ada, we will keep for you. Okay. You can eat mine. Yes. Okay. Thank you so much. I hope you like the session. Yeah. Thank you, madam. Kanika, can I get some feedback like how they like it or not? A little bit of
Sure. If you have to leave, that I can discuss it with them and convey it to you. Yeah. So please, if you can do that, because I have no choice. I have to leave. Yeah. Yeah. No problem. Okay. Hope to see you soon again. Thank you for being here. Thanks a lot. Bye. Bye. Thank you very much. Bye. Thank you. Thank you. I think sir took pictures of the fine. Yeah. Okay.